गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में बात करते हैं एक बेहतरीन होम्योपैथिक मेडिसिन थायोसिनामिनम की। थायोसिनामिनम जो सरसों का सीड है उसी से बनी हुई मेडिसिन है, और जो भी डिस्क्रिप्शन में बता रहा हूँ आपको अभी इस वीडियो में वो बोरिक के मैटेरिया मेडिका के पेज 618 पर लिखा है। यानी बोरिक की मैटेरिया मेडिका है उसकी पेज जो 618 है उसी पर लिखा है। तो देखिए, जो थायोसिनामिनम है बेहतरीन मेडिसिन है, कई गंभीर बीमारियों में काम करती है और जिसका बेसिकली इलाज एलोपैथी वाले सर्जरी बताते हैं, लेकिन उसका होम्योपैथी में बेहतरीन तरीके से इलाज हो जाता है। तो आप वीडियो अंत तक देखिए और प्लीज़ कोई मुझको फ़ोन करके ये ना पूछा करे कि मेडिसिन कितने की मिलेगी, क्योंकि मुझे मेडिसिन की प्राइस याद नहीं रहती और ना मैं याद करने की कोशिश करता हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि फ़ोन करके पूछने लगेंगे कि ये मेडिसिन कितने की मिलेगी, तो ये संभव नहीं है मेरे लिए बताना। तो प्लीज़ पूरा वीडियो अंत देखिए, सब कुछ ठीक से समझ में आ जाएगा। दवा को कैसे यूज़ करना है ये भी समझ में आ जाएगा, और कैसे खाना है सब कुछ तो बताया जाता है। लेकिन वीडियो थोड़ा देर देखेंगे, 2-5 मिनट देखा उसके बाद तुरंत फ़ोन लगा दिया कि इसको कैसे लें, दवा का नाम लिख के भेज दीजिए। इमेजिन करिए, अगर सब लोग मुझसे दवा का नाम लिख के पूछेंगे तो मैं कितने लोगों को दवा बता पाऊंगा। मेरे अपने भी कुछ काम होते होंगे, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। वीडियो पूरा अंत तक देख लीजिए, सब कुछ ठीक समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ें रह जाती होंगी तो उसको आप पूछ सकते हैं, लेकिन सब कुछ बताना संभव नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं थायोसिनामिनम की। जो थायोसिनामिनम है बेहतरीन तरीके से काम करती है, सब लोग जानते हैं। छोटे रहे होंगे तो कभी चोट लग जाती होगी तो मदर क्या करती हैं कि सरसों का तेल गरम करके उस पर थोड़ी सी मालिश कर देती हैं, तो जो सूजन है वो कम हो जाती है। बेहतरीन, तो वो सदियों से चला आ रहा है और नेचुरल तरीके से हीलिंग हो जाती है और जो चोट है जो दर्द है वो ठीक हो जाता है। तो थायोसिनामिनम उसी कैटेगरी की मेडिसिन है। तो देखिए, जो थायोसिनामिनम है यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में भी अच्छे से काम करती है। जो यूरेथ्रा है अगर वो सिकुड़ जाता है तो उसमें भी अच्छे से काम करती है। उसके अलावा भी और इसके बेहतरीन काम हैं। तो देखिए, जहाँ पे भी टिश्यू की ग्रोथ होती है, चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, थायोसिनामिनम वहाँ पे काम कर सकती है। तो देखिए क्लियर लिखा है, ये रिजॉल्वेंट यानी रिजॉल्व करती है, यानी व्यवस्था को सही करती है, चाहे एक्सटर्नल ग्रोथ हो चाहे इंटरनल ग्रोथ हो। कहीं पर भी ग्रोथ है, इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, उसको रिजॉल्व करती है, मतलब ठीक करती है ना। तो जैसे फॉर डिजॉल्विंग स्कार, स्कार क्या होते हैं, कहीं पे अगर गहरी चोट लग जाती है तो जब हीलिंग प्रोसेस आते रहते हैं तो हीलिंग अंदर से होता रहता है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे चोट, ये टिश्यू है, यहाँ पे कट लग गया, डीप कट लग गया, इस तरह से इंजरी हो गई किसी तरीके से, तो अब होता क्या है, हीलिंग यहाँ से ऐसे ऐसे स्टार्ट होती रहेगी, हील होते होते आगे जब टिश्यू पूरा भर जाएगा तो यहाँ पे कुछ तरह से गांठ जैसा बन जाता है, ये ठीक है, इसी को स्कार बोलते हैं। तो अगर स्कार बन गया है जहाँ पे पहले कभी चोट लगी थी तो उस स्कार को भी डिजॉल्व करती है और एकदम नेचुरल तरीके से जो कोशिकाएं हैं वहाँ पे उसको बनाती है, और जो अननेचुरल कोशिकाएं हैं जो हार्डनेस वहाँ पे क्रिएट कर रही हैं उसको हटा देती है। तो स्कार में भी अच्छा काम करती है। और ट्यूमर, ट्यूमर क्या है कि अनफिजियोलॉजिकल ग्रोथ, यानी जिसको बॉडी ग्रोथ नहीं कराना चाह रही है लेकिन अनफॉर्चुनेट कंडीशन में ग्रोथ हो गई है, तो उसी को ट्यूमर बोलते हैं, गांठ बोलते हैं। तो जो भी ट्यूमर या गांठ है कहीं पे भी हो, चाहे इंटरनल आर्गन पर हो चाहे एक्सटर्नल आर्गन पे हो, उसके लिए भी थायोसिनामिनम का आप यूज कर सकते हैं। और इनलार्ज ग्लैंड, ग्लैंड अगर बढ़ गई है, कोई भी ग्लैंड अगर उसकी साइज बढ़ गई है, जैसे थायराइड बढ़ रही है तो थायराइड बढ़ गई है, या फिर इसी तरीके की और कहीं पे भी ग्रोथ है तो इलाज ग्लैंड में भी काम करती है। और यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर कहीं पर भी हो बेसिकली यूरेथ्रा में देखा जाता है। तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर होता क्या है, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से यूरिनरी ब्लैडर है मान लीजिए, ठीक है, और इसी में से यूरिन बाहर निकलता है और जिस नली के थ्रू बाहर निकलता है उसको यूरेथ्रा बोलते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर मान लीजिए, तो यहाँ पे दो नली हैं, ऊपर से आपस आती हैं किडनी से यूरिन लेके ना,
मान लीजिए किडनी है यहाँ पे, तो यूरिन लेके यहाँ पे आती है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक, इस यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा रहता है यूरिन, फिर वही बाहर निकलता है समय समय पर। यूरेथ्रा स्ट्रक्चर क्या होता है कि यहाँ पे इस तरह से ग्रोथ हो जाती है, इस तरह से ग्रोथ हो जाती है। तो ग्रोथ हो जाने की वजह से क्या है कि देखिए यहाँ पे डायमीटर ज्यादा है यानी मोटाई ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है लेकिन यहाँ पे कम है, तो प्रेशर से यूरिन पास करना होता है, दर्द होता है, जलन भी हो सकती है। तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर में यहाँ पे जो ग्रोथ है ना, इस ग्रोथ को भी कम करती है, खत्म कर देगी, तो यूरिन फ्लो से पास होने लगेगा। जब फ्लो से पास होने लगेगा तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर की समस्या खत्म हो जाएगी। तो जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है यहाँ पे उसको भी रिजॉल्व करती है थायरोसिनामिनम। तो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो चाहे एडिसन्स हो, कुछ लोग बोलते हैं कि जो पेशाब की नली है वो चिपक गई है आपस में, उसी को एडिसन्स बोलते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे इस तरह से किडनी है, दो किडनी होती है लेफ्ट राइट में, तो मान लीजिए ये किडनी है इस तरह से ऐसे, ठीक, और यहाँ भी एक किडनी है इस तरह से ऐसे, और यही यूरिन आता है इसमें इकट्ठा रहेगा, ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया। तो कुछ लोगों की समस्या होती है, दिक्कत होती है कि ये जो यूरेटर है यानी जो किडनी है, किडनी से जो नली ट्यूब ले आती है उसको यूरेटर बोलते हैं ना, ये जो यूरेटर है ये आपस में चिपक जाते हैं, चिपके रहते हैं। जब यहाँ से यूरिन पास हो जाता है, पास होता है तो इसमें से थोड़ा थोड़ा ऐसे आ जाते हैं लेकिन पूरी मात्रा में नहीं आ पाते। तो ये जो यहाँ पे एडिशंस हैं यानी चिपक गई है, आपस में चिपक जाने की वजह से पूरा का पूरा यूरिन इधर नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा आता रहेगा, थोड़ा थोड़ा आता रहेगा लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं आएगा। तो जिस तरफ ये एडिशंस होगा उस किडनी में क्या आ सकती है, सूजन आ सकती है, रुकावट है, अवरोध है, तो यहाँ पे सूजन आ सकती है। तो चाहे हाइड्रोनेफ्रोसिस हो, किडनी की सूजन हो, या फिर उसका रीजन ये है यहाँ पे, तो उसमें भी काम करती है। और कैटरेक्ट, ब्लर्ड विजन, आंखों की बीमारी है कैटरेक्ट, तो ठीक ठीक दिखता नहीं, थोड़ी देर देखते हैं तो आंखें दर्द करने लगती हैं, चकाचौंध रोशनी आ जाती है, इस तरह से कैटरेक्ट। और फाइब्रॉइड, फाइब्रॉइड बेसिकली जो महिलाओं का यूट्रस है उसमें देखा जाता है, हो तो कहीं भी सकता है फाइब्रॉइड। जो मेल हैं जो गुटखा खाते रहते हैं उनका पूरा मुंह नहीं खुलता, तो भी फाइब्रोसिस की वजह से। तो फाइबर जो है वो हार्ड हो जाए, फाइबर हार्ड हो जाए तो उसी को फाइब्रोसिस बोलते हैं। ठीक है, फाइब्रोसिस, तो फाइबर जब हार्ड हो जाए तो फाइब्रॉइड बन सकता है, तो कहीं पर भी बन सकता है, हार्डनेस हो सकती है। और स्क्लेरोडर्मा, ये स्किन की बीमारी है, जो टिश्यू यहाँ पे है हार्ड हो जाते हैं, हाथ पैर कहीं के भी हो सकती हैं, तो टिश्यू हार्ड हो जाते हैं, उस वजह से वहाँ पे एक्जिमा जैसी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है या हो जाती है। तो स्क्लेरोडर्मा में भी अच्छे से काम करती हैं, मोटे तरीके से जहाँ पे भी अनवांटेड टिश्यू हैं जो हार्ड हो गए हैं, जो शरीर की व्यवस्था को अव्यवस्थित कर रहे हैं, उन सबको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से रिजॉल्व करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है थायोसिनामिनम। होम्योपैथिक मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर मिलेगा ना, तो थायोसिनामिनम। और इतना ही नहीं, आगे देखिए लिखा है डीफनेस ना, यानी जिनकी ओल्ड एज हो गई है उनका जो ईयर ड्रम है, देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक्सटर्नल ईयर है इस तरह से, तो यहाँ से जो साउंड इकट्ठा होता है तो आगे आता है, फिर यहाँ पे एक ड्रम लगा रहता है जिसको कान का पर्दा बोलते हैं, ठीक है, वो फिर आगे अटैच होता है इस तरह से। तो जो ईयर ड्रम है, कान खुजाते रहते हैं, ठीक है, या फिर कान कभी बह रहा था या फिर चोट लगी थी उस वजह से ईयर ड्रम भी थोड़ा मोटा हो जाता है, ईयर ड्रम मोटा हो जाता है। तो मोटा हो जाने की वजह से क्या है, जब साउंड आती है तो उसको उतने अच्छे तरीके से अफेक्ट नहीं कर पाती, इसलिए तेज बोलना पड़ता है, धीमा सुनाई पड़ता है पेशेंट को, तो दूसरे आदमी को तेज बोलना पड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ईयर ड्रम है अगर वो हार्ड हो गया है किसी इंजरी की वजह से, चोट की वजह से,
तो ईयर ड्रम जब हार्ड हो गया है तो बहरापन जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है, बेसिकली ओल्ड एज में देखी जाती है। तो देखिए, डिफनेस ड्यू टू फाइब्रोटिक चेंज इन द नर्व ऑफ इंटरनल और मिडिल ईयर। तो जो आंतरिक कान है या फिर मिडिल वाला कान है उसमें फाइब्रोटिक चेंज आ गए हैं। तो फाइब्रोटिक चेंज आ गए हैं, उस वजह से क्या होगा कि कभी कभार चक्कर भी आ सकता है और कान में विभिन्न प्रकार की आवाज भी आ सकती है, उसको टाइनाइटस बोलते हैं। तो डिफरेंट तरीके के साउंड आती रहती है, टाइनाइटस या फिर कान बहरा है ना, ओटाइटिस मीडिया। तो इन सब बीमारियों के लिए बेहतरीन तरीके से काम करती है थायोसिनामिनम। ये सब जानकारी होम्योपैथिक मेटेरिया मेडिका बोरिक की है, उसके पेज 618 पे लिखा है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यूज कैसे करना है अगर इसकी हम लोग बात करें तो देखिए, थायोसिनामिनम थ्री एक्स पावर का आप ले लीजिए। कुछ कंपनियां लिक्विड बनाती हैं और कुछ कंपनियां टैबलेट्स बनाती हैं। तो देखिए, अगर टैबलेट्स है तो 4 टैबलेट्स लीजिए 3 टाइम। टैबलेट अगर आपको मिला है तो 4 टैबलेट्स लीजिए, और लिक्विड मिला है तो आपको 10 बूंद लेना पड़ेगा 3 टाइम। तो दोनों स्थिति में आप यूज कर सकते हैं। अब ये नहीं कि टैबलेट मिला है तो कमतर काम करेगा, लिक्विड मिला है तो ज़्यादा काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना काम टैबलेट करेगा उतना काम लिक्विड भी करेगा, ठीक है। तो आपको जो भी अवेलेबल है उसी को आप ले लीजिए, थायोसिनामिनम 3x पावर के आप ले लीजिए। और सॉलिड मतलब टैबलेट है तो 4 टैबलेट्स यूज़ करें, लिक्विड है तो 10 बूंद यूज़ करें 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। तो प्रोबेबली इन बीमारियों में जो यहाँ पे बताया गया उस पर आपको आराम मिल सकता है। और इस इन बीमारियों को ठीक करने के लिए थायोसिनामिनम के अलावा भी और कई मेडिसिन हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यही अल्टीमेट बस इकलौती मेडिसिन है, अगर इससे ठीक नहीं हुआ तो ठीक ही नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा भी और कई मेडिसिन हैं, लेकिन थायोसिनामिनम अच्छे से काम करती है इसलिए इसके बारे में बताया गया। तो इस तरह से थायोसिनामिनम का आप यूज़ करके अपनी बीमारी में लाभ ले सकते हैं। अगर आपको किसी बीमारी में ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं, और मेरा मोबाइल नंबर है इस तरह से 9450604151 9450604151 आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। तो आपने पूरा वीडियो देखा, जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।